Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Akshita and today I will take you with me to Mega Trade Fair Ajmer 2022. It's been a really really long time since I have visited a fair because COVID के बाद से obviously सब कुछ बंद हो गया था और बहुत जाते थे पहले सोनिया प्रदर्शनी लगती थी बहुत सारे फेयर लगते थे तो I was really excited to visit a fair after so long. तो मैं मेरी मम्मी के साथ गई थी. ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि कुछ बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी जो मैं खरीद के लाऊंगी बट फिर भी मतलब वहाँ पे कपड़े तो मुझे डेफिनेटली पसंद नहीं आए लेकिन जो ज्वेलरी कलेक्शन थोड़ा इयररिंग्स का कलेक्शन था वो काफ़ी डिसेंट और अच्छा था और कुछ छुटपुट चीज़ें जो मैं खरीद के लाई हूँ मेरे लिए तो मैं पहले आपको दिखाती हूँ फेयर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या थोड़ा सा जो भी लिया है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले तो वहाँ पे जो कपड़े थे वो या तो बिल्कुल हाई रेंज के थे या फिर बिल्कुल लो रेंज के थे. लो रेंज के थे उनकी क्वालिटी बहुत चीप थी और जो हाई रेंज के थे वो भी दे वर नॉट लाइक वेरी गुड बिकॉज उस रेंज में आपको ऑनलाइन कपड़े बहुत अच्छे मिल सकते हैं. सो आई वॉज ऑलरेडी नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम देयर बट आई वॉन्टेड सम शॉर्ट्स फॉर मी घर पर पहनने के लिए गर्मी में. तो आई रैंडमली वेंट थ्रू अ स्टॉल वहाँ पे शॉर्ट्स टंग रहे थे बाहर तो मुझे लगा कि ऐसे ही होंगे 100-100 रुपये के मिल रहे थे तो आई वॉज लाइक ज़्यादा उम्मीद नहीं थी बट जब मैंने क्वालिटी देखी तो आई रियली लाइक इट. सो मैंने ऐसे एक उठा ली कि देखते हैं लेके एक अगर अच्छी लगी तो फिर और ले लेंगे एंड आई पिक दिस शॉर्ट. ब्रीदेबल मटीरियल है बहुत एंड आई रियली रियली लाइक इट. मैंने कल पहन भी ली सो इट इज़ रियली गुड अंडर 100 रुपीज़. सो आई रियली रियली लव इट. ब्रांडेड चीज़ें खरीदने का अलग मज़ा है और लोकल चीज़ें खरीदने का अपना मज़ा है. मुझे तो फ्रेंडली बहुत मज़ा आता है लोकल चीज़ें उठाने में तो मैं जब भी किसी शॉप पर जाती हूँ कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं एक लिपस्टिक ज़रूर उठा के लाती हूँ एंड दैट्स हाउ आई हैव अ लॉट ऑफ लिपस्टिक्स इन माई वैनिटी. तो एक लिपस्टिक लेकर आई हूँ मैं कल सिर्फ जो मुझे शेड थोड़ा सा अच्छा लगा. एक्चुअली मैं इसलिए लाई क्योंकि एथनिक वेयर पे ये शेड ज़्यादातर बहुत सूट करता है और मोस्ट ऑफ योर एथनिक वेयर के साथ ये शेड जा सकता है. आई डोंट नो व्हाट लैंग्वेज आई एम स्पीकिंग बट एनीवे दिस इज़ द शेड. नाउ ऑफकोर्स देर इज़ नो ब्रांड रिटन ऑन इट. वहाँ पर आई शेडो पैलेट्स भी बहुत अच्छी थी. मतलब अच्छी तो क्या जैसा मैंने वीडियो में दिखाया था आप उसे स्वाइप करोगे तो इट विल लुक वेरी पिगमेंटेड बट एक्चुअली वो बहुत पाउडरी होती है और आप जैसे अपने लिड पे अप्लाई करोगे थोड़ी देर बाद इट विल गो अवे. सो इसलिए मैंने वो नहीं खरीदी. सेकेंडली लिपस्टिक मुझे ठीक लगी. ये है शेड. आई विल शो यू द शेड. मेहंदी लगी हुई है. दिस इज अ ब्राउन शेड विथ अ मॉवी टोन इन इट. तो ये आपके ऑलमोस्ट हर एथनिक वेयर पे शेड सूट करेगा. सो आई रियली लाइक इट. तो ये मैंने ऐसे ही पिक कर ली. छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे आपको एक बास्केट दे दी जाती है वहाँ पे आप पिक करके डालते जाते हो तो ऐसे कर करके बहुत सारे आइटम हो गए थे. द नेक्स्ट टू थिंग्स दैट आई पिक्ड अप आर दीज. नाउ आई वॉन्टेड दीज कलर्स सिंस
a really long time and they also work as hair ties. So this is what I picked up and they are really soft. एक of course बहुत ही mandatory लड़कियों की चीज़ें. Every girl knows कि आप कितना भी संभाल के रख लो अपनी hair ties को, they can never be enough, हमेशा खो जाते हैं. So I always keep this with me. तो ये तो मैंने ठीक है, बहुत ही normal चीज़ है. Then the next thing that I picked up is this cute mirror. Of course I needed this mirror for my makeup videos. It is a great necessity for me. तो वहाँ पे मुझे बहुत सही लगा ही. I think it was for ₹50. That's it. तो इसमें you get a mirror. Okay? And you get a comb. ये मैंने test नहीं किया अभी तक, so I don't know ये कैसा है और ज़्यादा expectation भी नहीं है very frankly. देयर वॉज अ रियली क्यूट नेकलेस, 100 rupees का था वो, लेकिन उसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी लो लग रही थी. ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा चलेगा नहीं, दैट इज़ वाई आई डेंट बाई इट. नहीं तो वो भी इस हॉल में इंक्लूडेड होता. क्यूट बहुत था, बट देन एनी वे आई पिक्ड अप दीज क्लिप्स. ये क्लिप्स मीशो पर आप देखोगे तो बहुत बहुत चीप रेट में पड़ती है, मतलब कि आई थिंक यू गेट 8 pieces फॉर जस्ट 100 rupees. तो दैट इज़ वेरी चीप, बट दीज आर quite expensive compared to the Meesho ones. So these are 25 rupees each. But मुझे पूरा set नहीं चाहिए था तो इसलिए Meesho की जगह I got these. ये आप किसी भी अपने western dress के साथ side में simple सी hairstyle बनाकर लगा सकते हो. It looks very chic. Then you can also use it with your ethnic wear as well. So I got these. The next thing and my favorite things from दिस हॉल, रिंग्स. पता नहीं रिंग का इतना ज़्यादा शौक चढ़ रहा है आजकल, कहीं भी जाती हूँ रिंग ज़रूर उठा के लाती हूँ. एंड काफ़ी यूनिक लगी मुझे ये रिंग्स वहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन मैंने कहीं देखी नहीं ऐसी रिंग्स. फर्स्ट इज दिस वन. नाउ ऑफकोर्स आई बॉट इट जस्ट फॉर इट्स शेप एंड ऑल्सो द कलर. लुक्स वेरी क्यूट. हर एथनिक वेयर के साथ आप आराम से इसे वेयर कर सकते हो, साड़ी के साथ पहन सकते हो. इट विल गो विथ जस्ट एवरी थिंग. सो आई रियली लव्ड इट द मोमेंट आई सॉ इट. पता नहीं मुझे ऐसा लगता है ब्लैक रिंग्स आर रियली रेयर. ऑनलाइन कभी सर्च करके देखा नहीं है ब्लैक रिंग्स, बट वहाँ पे मेरी नज़र इस रिंग पे पड़ी एंड इट लुक्स सो प्रिटी. लुक एट दिस, goes with literally every ethnic wear. चाहे आप किसी भी कलर का एथनिक वेयर पहन रहे हो, एंड ब्लैक के साथ तो इट लुक्स अमेजिंग. सो ये मेरी फेवरेट चीज़ें थी इस हॉल में. मुझे रिंग्स का बहुत शौक है, मुझे रिंग कलेक्ट करने का बहुत शौक है. आर्टिफिशियल रिंग्स, आई एम इन लव विद दैम. वहाँ पर और भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, बहुत अच्छे अच्छे. एक भी आई थिंक ऐसा नहीं था जो मुझे पसंद ना आया हो. और ये एक रिंग 100 rupees की है, सो 200 फॉर दीज टू रिंग्स. नेक्स्ट अप दैट आई गॉट इज इयर रिंग. एक्चुअली एक इयर रिंग नहीं, फोर पेयर ऑफ इयर रिंग्स. सो फर्स्ट वन इज दिस. ये मैंने इसलिए लिए हैं बिकॉज दे लुक वेरी डिसेंट एंड ऑल्सो इट गोज विथ ब्लैक, इट गोज विथ व्हाइट, इट गोज विथ सिल्वर. इट विल गो विथ लिटरली एवरी कलर्ड आउटफिट दैट यू कैन वेयर. एंड ऑल्सो ये बहुत हैवी भी नहीं है, तो जैसे आप कुछ लाइट सा कुर्ती कुर्ता पहन रहे हो या कुछ भी एथनिक वेयर पहन रहे हो, इट विल लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग. लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक्स. दिस वन, नाउ दीज लुक रियली हैवी, बट व्हेन यू एक्चुअली वेयर देम दे आर वेरी लाइट वेट. मुझे ऐसे इयर रिंग्स, ऐसी झुमकीस बहुत पसंद है जो दिखने में हैवी होती है, बट जब आप पहनते हो तो वो लाइट वेट होती है, तो आपके ईयर्स को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है. एंड इट विल गो विथ लाइक साड़ीज, और जब आपको जैसे नेक में कुछ ना पहनना हो तो यू कैन वेयर दिस एंड योर लुक विल बी कम्प्लीट. सो आई रियली लव्ड दिस वन. और आई थिंक ऐसी झुमकियाँ वहाँ पे एक ही पैर था जो सबसे हैवी था, बाकी मैंने देखा तो इतना हैवी पैर कहीं था नहीं. दीज आर आई थिंक फॉर 200 rupees. आई गेस दीज आर फॉर 200 rupees एंड दीज आर फॉर 100 rupees. सो अ गुड, यू कैन से अ स्टील डील. नेक्स्ट भी झुमकी ही है, बट और ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा क्यूट है. दिस, अब ये सर्क्यूलर चीज़ की वजह से, दीज आर लाइक डैंगल्स, लूप्स, हुप्स जो हम पहनते हैं, लूप्स क्या, हुप्स जो पहनते हैं
वैसा ही लॉक है पीछे, और लॉक बहुत सही है इनका, मतलब ये ढीले नहीं पड़ेंगे कभी भी। एंड दे लुक क्यूट। और लास्ट सेट जो मेरे पास इयररिंग्स का है वो है ये झुमकी मैंने ली है नॉर्मल डेली वेयर में पहनने के लिए, जैसे हम सिंपली किसी और के फंक्शन में जा रहे हैं और हल्का कुर्ता पहना है, सिंपल स्ट्रेट कुर्ता पहना है, तो दिस गोज रियली वेल विथ इट। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैंने परचेज की थी बस, और तो ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया था मुझे कपड़े। एक सूट सेट ज़रूर पसंद आया था, इट वॉज़ जस्ट फॉर ₹350। वो एक कुर्ता था और नीचे प्लाजो था, लेकिन वो मेरे साइज़ में नहीं था, वो डबल एक्सएल साइज़ में था। डेफिनेटली आई कुडंट बाय इट, फिट कराने पर भी वो इतना अच्छा नहीं लगता बिकॉज साइज़ वॉज रियली लार्ज। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई डिडंट गेट इट, बट मेरा मन बहुत था वो खरीदने का। सो दिस इज़ इट। बहुत टाइम बाद मैंने विजिट किया और बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादातर वैसे मैं जब भी मेगा ट्रेड फेयर या ऐसी जगहों पर जाती हूँ, आई ऑलवेज पिक अप द ज्वेलरी, ज़्यादातर कपड़े बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं खरीद के लाती हूँ वहाँ से, बिकॉज कपड़े मुझे ऐसा लगता है यार चीप क्वालिटी है, आई डोंट लाइक टू वेयर चीप क्वालिटी क्लोथ्स वेरी ऑनेस्टली। ये शॉर्ट्स भी मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए ली थी, बट दे आर एक्चुअली गुड। सो अगर आपको शॉर्ट्स खरीदनी है, आप घर में शॉर्ट्स पहनते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। बाय।